सोलन में दाड़ला में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया है। इस व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि ये व्यक्ति किस किस व्यक्ति के संपर्क में आया था। आपको बता दें कि जब से लॉकडाउन खुला है तभी से प्रदेश के नागरिक अपने घरों पर आ रहे हैं। उनमें से काफी ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिन्हें पहले इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाता रहा है, लेकिन नियमों में बदलाव की वजह से अब कुछ राज्यों से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। अगर होम क्वारंटीन व्यक्ति नियमों की पालना नहीं करेंगे तो संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। यही वजह है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ने लगी है। अधिक जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने बताया कि जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है वह तहसील दाड़ला का है, जो 4 दिन पहले दिल्ली से सोलन आया था, जिसे होम क्वारंटीन किया गया था। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर व्यक्ति के परिवार को आइसोलेट कर दिया गया है, साथ में उनके गांव को भी सील किया जा रहा है। साथ ही उनकी टीम अब इस क्षेत्रवासियों के टेस्ट भी करवाएगी। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों के संपर्क में ये व्यक्ति आया था उनकी सूची भी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए अब स्वास्थ्य विभाग रैंडम सैंपलिंग की रफ्तार ज्यादा बढ़ा रही है। अर्की में पॉजिटिव आया है, इसकी हिस्ट्री भी दिल्ली से ट्रैवलिंग की है। दिल्ली से जैसे ही ये ट्रैवल करके आया था तो इनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, और अब जैसे इनका टेस्ट पॉजिटिव आया है तो इनको हमने ESI काठा में शिफ्ट कर दिया है, और सारी फैमिली जो है फैमिली की सैंपलिंग और जो इनके अगर कोई फैमिली कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं उनकी सैंपलिंग के लिए हमने बंदोबस्त कर दिया है, और उनका जो एरिया है वो पूरा का पूरा गाँव सील कर। सर, जब ये व्यक्ति दिल्ली से आया था, इस व्यक्ति को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया? क्या जी, दिल्ली वाले इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन नहीं होते, सारे वो लिस्ट के हिसाब से क्वारंटाइन होते। हमारी तुरंत सैंपलिंग, सारी इफेक्टिव सैंपलिंग चली हुई है, इसी इफेक्टिविटी हमने पीछे भी की थी, और अब जैसे हम क्वारंटाइन एरिया एरिया को सील कर देते हैं तो उसके बाद फिर हमारी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। घर घर हमारे वर्कर जाते हैं और फिर हम सैंपलिंग।